आगे क्या है? आगे आप समझेंगे कि अगर आप मान लिया एक लाइब्रेरियन हो और आप कैटलॉगिंग कर रहे हो, तो आप कैटलॉगिंग कैसे कैसे कर सकते हो, किस किस लेवल पे कर सकते हो। तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि आप जो कैटलॉगिंग करना चाहते हो वो आप तीन तरीके से कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? इसके तीन लेवल हो सकते हैं। कौन कौन से लेवल हो सकते हैं समझते हैं। लेवल नंबर वन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप बिल्कुल मिनिमम कैटलॉगिंग डिटेल दे रहे हैं, मिनिमम कैटलॉगिंग डिटेल्स आप प्रोवाइड करवा रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कैसे प्रोवाइड करवा रहे हैं आप सिर्फ उसका ऑथर, आप ऑथर के बारे में जानकारी दे रहे हो, सिर्फ बुक का ऑथर क्या है, आप उसके पब्लिकेशन डिटेल के बारे में जानकारी दे रहे हैं, ठीक है। और क्या जानकारी दे रहे हैं आप? मान लिया आप उसके, आपने ज्यादा ज्यादा और क्या होगा, पेज के बारे में बता दिया, पेजिंग डिटेल्स दे दिया आपने, आपने बहुत मिनिमम जानकारी दी। यहाँ पर आप क्या कर रहे हो? यहाँ पर आप सेकंड लेवल में मॉडरेट जानकारी दे रहे हो, मॉडरेट डिटेल, है ना। ऐसे तो होता है भाई, एक प्राइमरी होता है, एक मॉडरेट, एक जो होता है वो हाई लेवल वाला हो जाएगा। अब यहाँ पर इसे मॉडरेट या फिर इंटरमीडिएट भी बोलते हैं। इसमें आप क्या क्या दे रहे हो? आपने यहाँ पर क्या किया, आपने यहाँ पर और भी बता दिया, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एडिटर का नेम बता दिया आपने, उसके बाद आपने क्या बता दिया, सीरीज भी बता दिया आपने कि ये कौन सी सीरीज है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर क्या बता दिया, उस सीरीज का नंबर भी बता दिया आपने कि सीरीज का क्या नंबर है। ये सारी डिटेल जो छोटी छोटी आपने बताई हैं, ये सारी डिटेल जो भी हैं वो हमारे सेकंड लेवल में आती हैं। अब हम बात करते हैं इसके थर्ड लेवल की। थर्ड लेवल में हमारा क्या होता है, हमको मैक्सिमम जानकारी देनी होती है, मैक्सिमम, सही लिखा मैंने, मैक्सिमम देख लेना, मैक्सिमम पॉसिबल डिटेल, जितनी ज्यादा से ज्यादा पॉसिबल हो सकती है उतनी ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर जानकारी हमको देनी होती है, जितनी भी हो। क्या क्या? एक्सेशन नंबर भी बता रहे हैं हम उसे, ठीक है। और क्या बता रहे हैं हम? और हम इसमें आईएसबीएन नंबर भी बता रहे हैं, ठीक है, आईएसएसएन नंबर भी बता रहे हैं हम उसे। हम यहाँ पर ये भी बता रहे हैं उसकी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बता रहे हैं, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रहे हो, इलस्ट्रेटर का नाम भी बता रहे हैं हम, कंपाइलर का नाम भी बता रहे हैं हम, एडिटर के बारे में भी हम बता रहे हैं, इन सारी चीजों के बारे में हम यहाँ पर बता रहे हैं। तो ये सारी चीजों के बारे में जब भी हम जानकारी देंगे तो मतलब वो आएगी हमारी थर्ड लेवल में, ठीक है, शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब आप यहाँ पर ध्यान से सुनिए, ये हो गया हमारा फर्स्ट लेवल, ये हो गया सेकंड लेवल, ये हो गया थर्ड लेवल। देनी कब कब है? बात तो ये है ना कि देनी कब कब है। अब देखो, अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन आपको ये चीज करनी है। वैसे तो अगर आप किसी बड़ी लाइब्रेरी में एज ए लाइब्रेरी असिस्टेंट काम करते हो तो वहां पर आपको ये पहले पता करना पड़ेगा, आपको पता चल जाएगा कि भाई उनकी जो लाइब्रेरी है वो कौन सी लेवल पर वर्क कर रही है, ठीक है। मान लिया कि आप मान लिया किसी स्कूल की लाइब्रेरी में जा रहे हो, तो स्कूल की लाइब्रेरी में क्या बच्चे को क्या करना है, बच्चे को आईएसबीएन नंबर से क्या लेना देना है, बच्चे को इलस्ट्रेटर से क्या लेना देना, उसको नहीं मालूम, वो क्या पता है उसको, उसको तो सिर्फ सब्जेक्ट का नेम पता है, ऑथर का नेम पता है ना। वो जाएगा बोलेगा मेरे को एससी वर्मा की फिजिक्स चाहिए सर, उसे नहीं मालूम कि उसमें जो कलर पेजेस बनाए हैं वो किसने बनाए हैं, उसका इलस्ट्रेटर कौन है, उसका रिवाइजर कौन है, वो उसको उससे लेना देना भी नहीं है, क्योंकि एससी वर्मा इतना फेमस है तो वो बच्चा जाएगा और बोलेगा, ठीक है। और वहां पर आपको जानकारी मिल जाएगी। बट तो यहाँ पर क्या मजबूरी हुई आपकी, ये आप उस कंडीशन में जानकारी देंगे, ये वाली डिटेल आप उस कंडीशन में देंगे जिस कंडीशन में आपके पास मैन पावर और रिसोर्सेस की कमी होगी, ठीक है। आपके पास क्या है, लैक ऑफ, कैसे लिखा जाता है, लैक, भूल गया मैं, कमी लिख दे रहा हूं, है गलत हो जाएगा बस। एलएसी आपके के, पास क्या हो? अच्छा वही होता है, हाँ भूल,
हाँ, तो लैक ऑफ रिसोर्सेज, अगर आपके पास लैक ऑफ रिसोर्सेज हैं, या फिर क्या है, या फिर आपके पास लैक ऑफ मैन पावर। तब आप इन दोनों लेवल पे यूज कीजिए। ये कहाँ यूज होता है? ये यूज होता है मोस्टली रिसर्च इंस्टीट्यूट में, ठीक है, रिसर्च इंस्टीट्यूशन के अंदर होता है। और कहाँ होता है? यूनिवर्सिटी के अंदर होता है, ठीक है। तो आपको कौन सा सीखना है? आप इंपॉर्टेंट चीज ये भी है ना, और मोस्टली कॉलेज लेवल पे भी वैसे कर सकते हो। आप करना चाहो तो कॉलेज बोले तो इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया है ना, आपका एजुकेशन कॉलेज हो गया जो भी है, तो ये जितने भी कॉलेजेस होते हैं ना, मास मीडिया कॉलेज हो गया, ऐसे कॉलेजेस, तो उस लेवल पर भी आपको ये ही वाली डिटेल प्रोवाइड करवानी है, इसी तरीके से आपको करनी होती है, ठीक है। तो आपको कौन सी सीखनी है? इस टाइम आप तो कोर्स कर रहे हो, तो आपको थर्ड लेवल की ही बनानी होगी और थर्ड लेवल की ही आपको सीखनी होगी। यहां तक अगर कोई भी बात समझ नहीं आई तो बताओ, यहां तक था इसका इंट्रोडक्शन, जो कि आपके एग्जाम में तो नहीं आएगा, लेकिन जब आप कंपटीशन का एग्जाम दोगे या आपसे कोई वाइवा में पूछेगा तो आपको वहां पर पता होना चाहिए कि कितने चैप्टर हैं, क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या सारी चीजें किस काम में आती हैं, किस तरीके से ये बना, कैसा इसका डेवलपमेंट हुआ, तो ये चीज के बारे में बताइए। अच्छा, यहाँ पर एक चीज बताना मैं यहाँ पर भूल गया कि अब यहाँ पर चैप्टर नंबर 14 से लेके चैप्टर नंबर 20 तक तो यहाँ पर खाली रह गए भाई। जब यहाँ पर शुरू हो गया क्या हुआ इसका, ये देखो यहाँ पर, आप यहाँ पर समझो, चैप्टर नंबर 13 तक लिखा, आप में से किसी ने पूछा भी नहीं कि सर चैप्टर नंबर 13 तो लिखा, 14 to 20 का क्या हुआ भाई? 21 लिख दिया आपने, तो 14 to 20 क्या था? अब इतना तो पता नहीं था ना उस टाइम पे जब ये बना रहे थे तो, कि हाँ भाई टेक्नोलॉजी के इतना ज्यादा डेवलपमेंट हो जाएगा कि 2005 में आके इसको बंद ही कर देना पड़ेगा बिल्कुल, है ना, इसका आप एडिशन निकालेंगे ही नहीं, हम इस पर वर्क ही नहीं करेंगे, ऐसा नहीं पता था। तो उसके डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी और रूल्स आते इन फ्यूचर, उसके लिए ये चीज, ये कॉलम इन्होंने क्या करा था, खाली करके रख रखा था, ठीक है। इसलिए तो ये भी चीज मैंने यहाँ पर आपको क्लियर कर दी। अब यहां तक अगर किसी को भी, अगर आपको अब में से किसी को भी दिक्कत है तो मेरे को बताइए। देखो ये पूछ सकते हो अगर दिक्कत है कुछ भी, तब नहीं है, ठीक है। सर एक बार 14 वाला बता दो फिर से, 14 to 20 वाला। 14 to 20 वाले में क्या हुआ था? 14 to 20 वाला, लो मैं यहां पर ये खोल लेता हूँ। ये 14 to 20 जो था, आगे जो भी रूल्स आते और आने वाले होते, है ना, मान लिया कि जो भी और भी ज्यादा कुछ और भी चीजें आती, जैसे कि अभी जब ये बना था AACR, तब उस टाइम पे क्या था, उस टाइम पे हमारे ये डिजिटल मीडिया नहीं था ना, डिजिटल मीडिया बोले तो वीडियोस रिकॉर्डिंग नहीं थी, है ना, ऑडियो रिकॉर्डिंग जो थी वो नहीं थी, या जैसे कि हम बोले कि ये जो इस टाइम पे आजकल हम ये पढ़ते हैं, ई मैगजीन है हमारे, ई पेपर है हमारे, है ना, डिजिटल फॉर्म में जो भी चीजें थी वो नहीं थी, लेकिन उसके बाद आ गई, तो उसको सबको कैटेगराइज किया ना, ऐसे ही उन्होंने सोचा था कि अगर मान लिया ऐसी कुछ प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए हम, मान लिया चैप्टर वन से रिलेटेड आती है तो चैप्टर वन से रिलेटेड हम कैसे करके डिफाइन करेंगे, कहाँ डिफाइन करेंगे, तो उन्होंने 14 to 20 तक चैप्टर को क्या करा था, उन्होंने छोड़ रखा था कि जब हम, जब इसका डेवलपमेंट होगा, जब हम देखेंगे हमको जरूरत पड़ेगी कि ये एक रूल बना लेना चाहिए, तो वो क्या करेंगे, हम वो रूल हम बना देंगे। इसलिए अब आप सोचोगे कि सर चैप्टर नंबर 14 to 20 तो यहाँ पर कर लिया, लेकिन यहाँ पर जो था पार्ट नंबर 2 में, पार्ट नंबर 2 में क्यों नहीं छोड़ा, ये नहीं छोड़ा, उसका रीजन ये है पार्ट नंबर 2 का, क्योंकि तो ये तो चैप्टर नंबर 2 में, सॉरी पार्ट नंबर 2 में ये हमारे चैप्टर तो चल ही रहे हैं, 25 26 आ गए यहाँ पर रेफरेंस वाला। अब एक बात बताओ, अब अगर मेरे को कुछ और रूल इसमें ऐड करना होगा पार्ट नंबर 2 में, तो मैं यहाँ पर 26 के बाद 27 डाल दूंगा, उसके बाद 28 डाल दूंगा, लेकिन लेकिन क्योंकि पार्ट नंबर 1 की अगर हम बात करते हैं, तो पार्ट नंबर 1 तो हम 13 पे क्लोज कर चुके हैं ऑलरेडी, है ना,
अगर मैं पूरी तरीके से क्लोज कर देता तो फिर मैं कहाँ डालता। अगर मान लिया मेरे को पार्ट नंबर वन से रिलेटेड, मतलब कि मुझे उस बुक के डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड कोई रूल बनाना है और दूसरा, तो वो रूल कहाँ डालता फिर मैं। इसलिए यहाँ पर उन्होंने खाली चैप्टर छोड़ रखे थे। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है, कंपटीशन में आता है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने प्रैक्टिकल की तरफ, कि अब हम जो पढ़ रहे हैं उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए और कैसे कैसे होंगी। देखिए पहले ये देखिए कार्ड होल्डर कैसा हो। ये होती है एक रैक, ये है हमारी रैक। इसको मैं जूम करके दिखाता हूँ थोड़ा सा और बड़ा करके। जो हमारा कार्ड होता है ना, जो हमको भी बनाना है वो कुछ इस प्रकार से बनाना। दिखा, और जूम करके दिखाता हूँ। ऐसे करके कार्ड आते हैं, ठीक है, 5x3 के, ठीक है, 7.5 12.5 बोल सकते हो ये। अच्छा कोई बात नहीं, इतना ये देखा कार्ड आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, फुल विजिबल होगा। ये लो आप देखो, दिख रहा है ये। इस तरीके से हमको कैटलॉगिंग कार्ड बनाना होगा। ठीक है, अभी डिटेल बताते हैं कैसे कैसे करके बनाना होगा। तो ये हमारा इस तरीके से कैटलॉगिंग कार्ड होता है। कहाँ रखे हुए होते हैं ये आप देख रहे हो ना, ये होल के बाद में, ये देखो ये जो मेरा एरो चल रहा है वो देखो, ये इसमें होल है और एक किस्में डले हुआ है। ये उसके अंदर एक रॉड होती है कार्ड होल्डर के अंदर, वहां पर उसके अंदर ये डले हुए होते हैं। ठीक है, इकट्ठे करके रखे हुए होते हैं। अब हम चले जाते हैं, इसको कर देता हूँ यहाँ, और अब हम देखते हैं कि ये कैसे रखे हुए होते हैं लाइब्रेरी के अंदर। तो लाइब्रेरी के अंदर कुछ इस तरीके से अरेंज किए हुए होते हैं। ये दिखे आपको, ऐसे करके ये अरेंज करे हुए होते हैं। और ये देखो ऐसे करके यहाँ पर ढूंढना होता है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर हमको बनाना होते थे कार्ड। तो अब हम फिर दोबारा से चलते हैं और कार्ड की डिटेलिंग पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि कार्ड को अब हम बनाएंगे कैसे। चलिए तो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं जो हमारा कार्ड होता है वो कैसा होता है और किस किस तरीके से हम यहाँ पर बनाते हैं। तो जो कार्ड का साइज है, सबसे पहले कार्ड का साइज समझो, फ्रेंड हो गया। कार्ड का जो साइज है वो अगर सेंटीमीटर में बात करी जाए, तो कार्ड का साइज जो सेंटीमीटर में होता है वो हमारा, इसकी 12.5 सेंटीमीटर की लेंथ होती है और 7.5 सेंटीमीटर की इसकी वेट होती है। और अगर मैं यहीं पर इसके इंचेस में बात कर लेता हूँ, तो मैं यहाँ पर बताऊंगा ये 5 इंचेस की तो इसकी लेंथ होती है और 3 इंचेस की इसकी जो होती है वो वेट होती है। अब हम इसका फॉर्मेट समझते हैं कि ये कार्ड का जो फॉर्मेट होता है वो कैसा होता है। तो कार्ड जो होता है वो कुछ इस तरीके से हम बना लेंगे। देखो भाई मेरी ड्राइंग थोड़ी सी खराब है, तो मैं कार्ड का बस दिखा रहा हूँ आपको ओवरव्यू कि कैसे हो सकता है। ठीक है, बना के दिखाता हूँ। ये होता हमारा 5x3 का कार्ड। ठीक है, अब 5x3 के कार्ड में समझो क्या क्या चीजें होती हैं। सबसे पहली चीज तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बीच में एक होल होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम समझते हैं, उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इसमें 3 लाइन होती हैं, 3 लाइन होती हैं। ठीक है, एक ये होती है, उसके बाद ये, आप सोच रहे होगा आप कितना कितना गैप होता है। तो यहाँ पर गैप अपनी मर्जी से भी रख सकते हो, वैसे मोस्टली जो है 1.5 से 2 इंच का गैप रख दो, वो सॉरी 1.5 से 2 इंच कह रहा हूँ, 1.5 से 2 सेंटीमीटर का गैप रख दो यहाँ पर। ठीक है, तो क्योंकि ये जो लाइन होती है हमारी, यहाँ पर आप देख रहे हो ये कैसी लाइन है, ये हमारी वर्टिकल लाइन है। तो इसके लिए हम क्या बोलते हैं, इस लाइन के लिए हम बोलते हैं फर्स्ट
वर्टिकल लाइन, इसको हम बोलेंगे, ये हमारी वर्टिकल लाइन है ना भाई, इसे वर्टिकल बोलते हैं किसमें, इंग्लिश में। तो यहाँ ये हो जाएगी हमारी फर्स्ट वर्टिकल वर्टिकल लाइन, इसे हम फर्स्ट वर्टिकल लाइन बोलते हैं। उसके बाद उससे थोड़ी ही दूरी पर एक लाइन और होती है जिसे हम बोलते हैं सेकंड वर्टिकल लाइन, इसे हम बोलते हैं सेकंड वर्टिकल लाइन। उसके बाद एक लाइन जो होती है ना, उसे हम इमेजिन करते हैं, मतलब कि उसे हम मान के चलते हैं कि यहाँ पर कोई एक लाइन है, उसे कार्ड पे दिखाना नहीं होता है। तो यहाँ पर क्योंकि मैं बना रहा हूं तो इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, यह मैंने एक इमेजिन कर ली है लाइन, इमेजिनरी लाइन बोलते हैं इसके लिए। और ये इससे कम दूरी पर, लगभग 0.5 सेंटीमीटर की दूरी, यहाँ पर से दूरी का गैप दीजिए आप, और उसके बाद यहाँ पर बना लीजिए एक इमेजिनरी लाइन भी। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक इमेजिनरी लाइन बना दी, ये हम मान के चलते हैं। अब आप सोच रहे होगे ये मान के क्यों चलते हैं सर, ये मान के इसलिए चलते हैं सर क्योंकि कई सारे टाइटल आपके ऐसे आएंगे बुक के जिसकी एंट्री आपको करनी होगी, तो थर्ड इमेजिनरी लाइन से वहां पर स्टार्ट होता है। इसलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमको ऐसा बनाना पड़ता है, हम यहाँ पर मान के चलते हैं कि यहाँ पर कुछ ऐसा होगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि एक जो लाइन होती है, ठीक है, एक लाइन जो होती है वो हमारी हॉरिजॉन्टल भी होती है। ठीक है, ये एक लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे या तो आप हॉरिजॉन्टल लाइन बोलो क्योंकि एक ही होती है, इसमें इसमें फर्स्ट और सेकंड, इसकी नंबरिंग करने की कोई जरूरत है ही नहीं, है ना। तो इसे हम कुछ भी ऐसे ही बोल सकते हैं, लेकिन अगर आप फिर भी बोलना चाहते हो तो यहाँ पर इसके लिए हम क्या बोलते हैं, इसके लिए हम बोलते हैं लीडिंग लाइन, इसे हम लीडिंग लाइन बोलते हैं, और इसे हम हॉरिजॉन्टल लाइन भी बोलते हैं, इसे हम हॉरिजॉन्टल लाइन भी बोलते हैं। तो ये कुछ इस तरीके का जो हमारा है वो हमारा कार्ड का प्रारूप बोल सकते हो, प्रोफार्मा बोल सकते हो, इस तरीके का कार्ड हमारा बनता है। अब ये बताओ, यहाँ तक तो कोई किसी को डाउट नहीं है ना कि क्या क्या चीजें होती हैं। ये हमारा फर्स्ट वर्टिकल लाइन है, ठीक है, ये वाली जो देख पा रहे हो वो सेकंड वर्टिकल लाइन है, यहाँ पर होल बना हुआ है, ये हमारी लीडिंग लाइन कहलाती है, या जिसे हम हॉरिजॉन्टल लाइन भी कहते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर समझते हैं यहाँ पर कैसे कैसे करके एंट्रीज होती हैं, क्या क्या चीजें होती हैं। तो यहाँ पर जो कॉमन रहता है वो चीजें समझो, हर कार्ड के अंदर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा उसका क्या, उसका मिलेगा कॉल नंबर। कॉल नंबर क्या होता है, अब कॉल नंबर के बारे में समझ लो, तो कॉल नंबर जो होता है वो क्लास नंबर और बुक नंबर से मिलाकर बनता है। यहाँ पर जो होता है लिखा जाता है वो कॉल नंबर लिखा जाता है, और जो कॉल नंबर होता है वो दो चीजों से मिलके बनता है, एक तो होता है हमारा उसका क्लास नंबर, और एक जो होता है वो हमारा क्या होता है, बुक नंबर। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे क्लास नंबर क्या होता है, क्लास नंबर जो होता है जब आप किसी भी सब्जेक्ट को किसी भी बुक के लिए क्लासिफाई करते हो, तब आप कोई एक सिस्टम को अपनाते हो, चाहो तो डीडीसी जिसे हम डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम बोलते हैं, या फिर आपने सीसी जिसे हम बोलते हैं कॉलन क्लासिफिकेशन, या यूडीसी, जो भी आप करना चाहते हो स्कीम को यूज, है ना, वो स्कीम को यूज करके आपको उसको एक क्लास नंबर देना होता है। अब रही बात बुक नंबर की, तो बुक नंबर में मोस्टली मैंने तो फर्स्ट 3 लेटर देखे हैं बुक के लिखे हुए, ठीक है, तो यहाँ पर हमको ये चीज लिखनी होती है। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये जो हमारा कॉल नंबर होता है, इस कॉल नंबर के लिए हमको पेंसिल से लिखना होता है। अब इसका भी रीजन होना चाहिए, आप बोलोगे सबको पेंसिल सर, इसको पेंसिल से क्यों, उसको पेंसिल से हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि मान लिया फॉर एग्जाम्पल आपको अपनी लाइब्रेरी में कोई दूसरी क्लासिफिकेशन स्कीम को अप्लाई करना है, कोई दूसरी क्लासिफिकेशन स्कीम को अपनाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा,
आपको सारे कार्ड दोबारा से बनाने पड़ेंगे अगर आप पेन से लिखते हो तो। अगर पेंसिल से लिखोगे तो आप यहाँ पर पेंसिल से मिटाकर जो दूसरी स्कीम के अकॉर्डिंग हमारा उसका जो नंबर आया है वो बुक नंबर यहाँ पर हम लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ पर ये चीज लिखी जाती है। ये चीज बात आपको समझ में आ गई होगी, आ गई ना भाई? अच्छा, अब हम यहाँ पर समझते हैं आगे की बात, आगे क्या क्या चीजें होती हैं। तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं इस वाले चीज की, ये वाला पार्ट, ये जो लीडिंग लाइन के ऊपर ये वाले जो है हमारा सेक्शन, इसे हम बोलते हैं हेडिंग सेक्शन। और हेडिंग सेक्शन में कैसे करके लिखी जाती है हेडिंग, हेडिंग कैसे बनाई जाती है उसके बारे में यहाँ पर कुछ रूल्स समझते हैं। हेडिंग सेक्शन में हम क्या करते हैं, बुक के ऑथर के नेम को लिखते हैं, बुक के ऑथर के नेम को लिखेंगे ऊपर में हेडिंग सेक्शन में। अब ऑथर के नेम को कैसे लिखते हैं ये चीज के बारे में समझते हैं। ऑथर के नेम को लिखने का दो तरीके हैं, मतलब दो तरीके सॉरी नहीं, मतलब ऑथर के नेम को दो पार्ट में बांटा गया है और उसके बाद कैसे लिखते हैं वो देखो। ऑथर नेम को दो पार्ट में हम बांट सकते हैं, पहला पार्ट जो होता है वो हमारा कहलाता है उसका सर नेम, और दूसरा पार्ट जो कहलाता है वो हमारा होता है फोर नेम, है ना। मोस्टली हमारे इंडिया के अंदर जो सर नेम होता है उसका मतलब क्या होता है, किसी की कोई कास्ट होती है या किसी का कोई कुल खानदान जो भी होता है उसका नाम जो लगाते हैं उसके लिए ही सरनेम से, मतलब वही सरनेम से जाना जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने देखा ही होगा बहुत सारे लोग सिंह लगाते हैं, बहुत सारे लोग तिवारी लगाते हैं, है ना, बहुत सारे लोग चतुर्वेदी लगाते हैं, देखा है ना, बहुत सारे लोग दुबे लगाते हैं। मुस्लिम्स में क्या क्या लगाते हैं, मुस्लिम्स में आपने देखा होगा बहुत सारे लोग खान लगाते हैं, है ना। तो ये जो सारी चीजें हैं मुस्लिम में बहुत सारी चीजें होती हैं, खान लगाते हैं, सैयद लगाते हैं, तो ऐसी जो भी सारी चीजें हैं ये सारे जो भी नेम हैं तो ये किस कैटेगरी में आते हैं, सर नेम के अंदर आते हैं। और फोर नेम के अंदर क्या आता है, फोर नेम के अंदर जो उसका ओरिजिनल नेम होता है, जो उसका ओरिजिनल नेम होता है वो हमारा फोर नेम के अंदर आता है। अब हम यहाँ पर समझते हैं कैसे करके क्या क्या होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिख दिया शानू कुमार, तो यहाँ पर आप यहाँ पर अगर बताओगे, मैं आपसे पूछूं तो आप बोलोगे सर ये जो है हमारा शानू लिखा हुआ है वो हमारा क्या हो जाएगा, सरनेम को फोर नेम, बोलो बोलो भाई फोर नेम, सर, फोर नेम, फोर फोर नेम, नेम जी। तो ये हो जाएगा हमारा फोर नेम, गुड। और जो हमारी ये कुमार है वो हमारा हो जाएगा सरनेम। सर नेम, यस एग्जैक्टली। तो ये हमारा फोर नेम हो जाएगा और ये वाला हमारा हो जाएगा सर नेम, ठीक है। मोस्टली इंडिया के अंदर ये भी देखा गया है कि जो हमारा सर नेम होता है वो सर नेम क्या होता है, वो बाद में ही आता है। अच्छा, अब हम यहाँ पर समझते हैं कुछ और चीजें। जब भी हम किसी की भी कैटलॉगिंग कार्ड पे एंट्री कर रहे होते हैं ऑथर के नेम की, तो किसी का भी कोई भी जो डेजिग्नेशन होता है, किसी का कोई पद होता है वो हमको नहीं लिखना होता है। जैसे कि अगर मान लें यहाँ पर आ गया डॉक्टर हरीश गुप्ता, तो यहाँ पर आपको ये डॉक्टर नहीं लिखना है, यहाँ पर जो एंट्री लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा सरनेम, और ये वाला जो दूसरा ये वाला है हरीश ये हो गया हमारा फोर नेम। तो अब हमको जो लिखना है वो हमको कैसे लिखना है, वो हमको लिखना है पहले, हम यहाँ पर लिखने का तरीका होता है सरनेम लिखते हैं फिर हरीश लिखते हैं, तो हमको सबसे पहले लिखना पड़ेगा गुप्ता और कॉमा लगा के फिर हम लिखेंगे यहाँ पर हरीश। आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी।